जी हाँ। तो नाजरीन, आज आप तमाम दोस्तों के लिए डाउन मॉडल के अंदर टोयोटा करोला जीएलआई अर्जेंट फॉर सेल टोटल जेन्युइन व्हाइट कलर के अंदर गाड़ी लेके आया हूं। ये गाड़ी कितने बजट के अंदर अवेलेबल है, कहां पे अवेलेबल है और आप इस गाड़ी को किस तरह बाय कर सकते हैं, गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए और गाड़ी को बाय करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको इस गाड़ी के हवाले से मुकम्मल तफसीलात मिल सकें और आप इस गाड़ी के ओनर से बात करके इस गाड़ी की डील को फाइनलाइज कर सकें। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हां, तो वलीद मोटर्स के लवर्स, इस वक्त आपके सामने अर्जेंट फॉर सेल टोयोटा करोला जीएलआई 2011 मॉडल में एक जबरदस्त इंटीग गाड़ी आपके लिए पेशे खिदमत है। सबसे पहले बात की जाए गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, इस वक्त कंडीशन की और गाड़ी अपनी सीलम में मौजूद है भी या नहीं, तो गाड़ी को देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये गाड़ी किसी मेन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है और हकीकत भी यही है कि गाड़ी में कोई माइनर मेजर इशू नहीं है। बेसिकली बात कुछ यूं है कि गाड़ी के ओनर ने इस गाड़ी को काफ़ी मेंटेन रखा है, टोटली इस गाड़ी को बहुत कम चलाया है और केयरफुली ड्राइव किया है। उसके अलावा मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूं तो आपको ये बात सुनने के बाद हैरानगी होगी कि 2011 मॉडल, इट्स मीन कि ये गाड़ी आज से 12-13 साल पुरानी है और बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है। गाड़ी की बॉडी पे आपको एक मक्खी के बराबर निशान भी नहीं मिलता, यानी कि बिल्कुल कोई भी स्क्रैच गाड़ी की बॉडी पे मौजूद नहीं है और टोटली गाड़ी जो है वो ड्राइव हुई है सिटी के अंदर। और इस गाड़ी का अगर आपको मैं माइलेज बताता चलूं तो 1,38,000 ये गाड़ी जेन्युइन चल चुकी है, जो कि इस गाड़ी का एग्जैक्ट और करेक्ट माइलेज गाड़ी के मीटर पर शो हो रहा है। ओवरऑल गाड़ी के चारों दरवाजों की सीलिंग कंप्लीट हैं और गाड़ी के जो डोर्स हैंडल हैं वो आपको बॉडी कलर से डिफरेंट ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया जाती हैं और गाड़ी में सिंपल व्हील गैप्स हैं और अलॉय रिम्स इस गाड़ी में इंस्टॉल नहीं किए गए, बट आप इजीली आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस गाड़ी के डैशबोर्ड पे हम आ जाएं, इंटीरियर प्रोफाइल पे आ जाएं, तो गाड़ी इंटीरियर से भी फुली मेंटेन हालत में है। लगेज वगैरह के लिए आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बैक पे रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल हैं, डैशबोर्ड पे आपको एंड्रॉयड डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले, बैक व्यू कैमरा इंस्टॉल है, वाटर ड्रॉपिंग इंजन है इस गाड़ी का, जस्ट लाइक अ 0 मीटर कार की तरह आपके सामने ये गाड़ी अवेलेबल है, क्योंकि इस गाड़ी की कंडीशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। और जाहिर सी बात है कि किसी शख्स ने अगर इस गाड़ी को इतना मेंटेन रखा है और फर्स्ट ओनर है और फुली फैमिली यूज्ड कार है, तो उसकी वो वाकई डिमांड भी कुछ अपनी मर्जी से बढ़ा रहा होगा, कर रहा होगा, क्योंकि उसे ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में किसी भी शख्स को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है, क्योंकि गाड़ियों की कंडीशनें बड़ी बैड होती हैं। 1.3 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी के अंदर। सो अगर आप भी इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाएँ, जो सीरियस है 100 में से 99% सीरियस है वो जाए वहाँ पे कांटेक्ट करें और वहाँ पे आपको ओनर का कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चस्का पार्टी दूर हैं, जो सिर्फ चस्के के लिए वीडियो देख रहे थे उन्होंने देख ली है, वो मजीद जो है वो कांटेक्ट करके ओनर को तंग ना करें, सीरियस बायर जाएं और गाड़ी को बाय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।